कहा जा रहा है कि धान की बिक्री नहीं हुई इसलिए उसने जहर खा लिया, क्या है पूरा मामला, क्या सच्चाई है आपने जो जांच की? एक विवेक कुमार सिंह और बिक्की ने कल भदावल गांव में अपने पारिवारिक मामले में पत्नी से झगड़ा हुआ, फिर पिता से झगड़ा हुआ, कुछ पैसे के प्लॉट खरीदना था, उसमें पैसे के लेन देन के लिए जो मामला संज्ञान में आया उसको आज कुछ अखबारों में ये देखा गया कि लोगों ने उसे धान खरीद से जोड़ करके प्रस्तुत किया है। उस प्रकरण को आज जांच किया गया तो उनके पिता रमाशंकर सिंह उन्होंने 34 कुंतल 80 किलो 15 दिसंबर को बेचा है और उतनी ही 35 कुंतल उनकी भूमि के आधार पर बेची जाने वाली धान की मात्रा बन रही थी। उन्होंने 34 कुंतल 80 किलो बेचा है और उसका 65,006 रुपये शुद्ध मूल्य है जो धनराशि उनके खाते में जाएगी। और उनके बेटे विवेक कुमार सिंह ने 70 कुंतल धान एक बटाईदार के रूप में बन करके अपना पंजीकरण करके 20 दिसंबर को 70 कुंतल बेचा है जिसका 1,30,760 रुपये मूल्य है। और ये बटाईदार तहसील से मैनुअली उसके प्रारूप पे सत्यापित करने के बजाय इसको ऐसे ही तैयार करके ऑनलाइन और बेच लिया गया है। इसी तरह का प्रकरण जब डिप्टी आरएमओ द्वारा 23 दिसंबर को उस केंद्र की जब जांच की जा रही थी तो उनके वो वहाँ कई बटाईदार जो है अपना कागज लिए हुए थे जिसको पकड़ा गया उनके द्वारा, और बटाईदारों को जिसकी ज़मीन है उससे लिखित कागजात लेने और उसे तहसीलदार से प्रमाणित कराने का आदेश दिया गया था। बिना प्रमाणित हुए तहसील से किसी भी बटाईदार से सीधे क्रय न किया जाए ये निर्देश दिए गए थे। तो इस स्थिति में जो बात निकल करके आई है केंद्र से और इस प्रकरण में कि कल जो कुछ अखबारों में ये न्यूज़ छपी है कि इसके कारण से आत्महत्या का प्रयास किया गया कि धान खरीद न होने से, तो अब धान खरीद का कोई प्रकरण नहीं है बल्कि बटाईदार बन करके 70 कुंतल उनके द्वारा बेच लिया गया है। अब अगर कोई धान है तो वो बिचौलिए के रूप में हो सकता है, एक काश्तकार के रूप में किसान के रूप में उनके पास धान नहीं हो सकता है, इसलिए धान खरीद से जुड़ा हुआ वो प्रकरण नहीं है, वो आपसी गृह कलह का प्रकरण। तो क्या सर आप ये मानते हैं कि उसने धान प्रकरण का ये बात नहीं है लेकिन जो बटाईदार के रूप में उसने बेचा है ये जाँच का एक विषय बनता है आपका? हाँ, जो बटाईदार के रूप में बेचा है उसका सत्यापन हम कराएंगे कि जिन जिन लोगों के नाम पर उन्होंने अपने को बटाईदार कहा है क्या उनके बटाईदार रहे हैं और जिन खेतों को उन्होंने दर्शाया है अपने प्रपत्र में क्या उनमें धान बोया गया था, ये हमने SDM को निर्देश दिए हैं। और इस तरह के बटाईदार के रूप में जनपद में जहाँ भी खरीद हुई है हम उसका सत्यापन। क्या दबाव बनाने की ये बात है क्योंकि इससे पहले भी वहाँ पे केंद्र प्रभारी को बंधक बना लिया गया था, क्या दबाव बनाने की हाँ यहाँ पे कोशिश की गई? इस जनपद में ये प्रयास हो रहा है कि कृषकों से सीधे खरीदो, बिचौलियों को अलग किया जाए। ये बिचौलियों के द्वारा जो है विशेष रूप से दबाव उसके जिला प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है इस माध्यम से, और मीडिया का उसमें दुरुपयोग किया गया है कि इसे जो है ऐसे केंद्रों को खोल दिया जाए जहां वो इसका अपनी मनमानी कर सके। सर लास्ट क्वेश्चन ये कह रहे थे कि अगर वो बटाईदार में बेच लिया तो केंद्र प्रभारी की भी उसमें संलिप्तता प्रकाश में आती है। हाँ, तो ऐसे में इस दृष्टि से अगर केंद्र प्रभारी की भी उसमें संलिप्तता रहती है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। हमने किया भी है, 8 FIR किया है, हमने आठ बिचौलियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है और हम और भी कार्रवाई करने जा रहे हैं जहाँ भी हमको बिचौलिया कहीं भी बीच में सेंटर पे धान बेचने का प्रयास करता हुआ पकड़ा जा रहा है, हम इस तरह का। थैंक यू सर। अब खरीद के बारे में बताएं कितने किसान लाभान्वित हुए? जनपद मिर्जापुर में अब तक
25,000 कृषकों से हम 1,32,334 मीट्रिक टन धान की खरीद कर चुके हैं, जो लक्ष्य का के 50% से अधिक है। और यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि पिछले वर्ष जिन किसानों की अब तक हम खरीद किए थे उससे 6,000 कृषकों से ज़्यादा खरीद किए हैं, जबकि अमाउंट में हम मात्रा में हम कम धान खरीदे हैं। हम पिछली बार अब तक लक्ष्य के समीप पहुंच गए थे, लक्ष्य का 90% पूरा खरीद कर लिए थे, लेकिन कृषकों की संख्या 19,000 खरीद पाए थे। आज हम 25,000 कृषकों से खरीद पूरी कर चुके हैं, जबकि हम अभी 50% किए हैं। अभी हमारे पास लगभग 50 दिन का समय शेष है। इस 50 दिन की अवधि में हम लक्ष्य से ज़्यादा खरीदेंगे और कोई भी किसान खरीद के लिए शेष नहीं रहेगा, लेकिन बिचौलियों से वो इस खरीद में भाग लेने की अनुमति नहीं देंगे किसी भी स्थिति में।